दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला शहर में कई ओपन स्पेस पर निजी शाला, संस्था, लॉन, क्रीड़ा मंडल आदि का कब्जा है। इन ओपन स्पेस को कब्जे में लेने तथा नियमानुसार निर्णय लेने के लिए डॉक्यूमेंट की पड़ताल का काम संपत्ति विभाग ने किया। वही 58 ओपन स्पेस को लेकर सुनवाई भी पूरी की गयी। अब सिर्फ ऑर्डर बनना बाकी है। अवकाश से मनपा आयुक्त का आगमन होते ही यह कार्यवाही भी आरम्भ होगी। प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल एसटी के कर्मचारियों को अक्टूबर महीने के वेतन के लिए 200 करोड़ रुपए निधि देने को मंजूरी दी है। शुक्रवार को राज्य के गृह विभाग ने वेतन देने के लिए निधि वितरण करने का शासनादेश जारी किया। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री डॉक्टर विजय कुमार गावित रविवार को जिला दौरे पर आ रहे हैं। वे रविवार को शाम 5 बजे अमरावती से शासकीय वाहन से अकोला के कोलखेड़ में पहुंचेंगे। इस दौरान वे शासकीय आदिवासी बालिकाओं के छात्रावास 1 व 2 इमारत का उद्घाटन एवं एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय इमारत निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मनपा अतिक्रमण विभाग ने शुक्रवार को कार्रवाई का दूसरा चरण पूरा किया। अब 12 दिसंबर से तीसरे चरण की कार्रवाई शुरू होने जा रही है, जिसमें नई प्रमुख सड़कों को प्राथमिकता से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। शुक्रवार को गिरिनगर से कोलखेड़ मार्ग पर गजराज चला था। शहर यातायात नियंत्रण विभाग ने पिछले कई महीनों से सड़कों पर दौड़ने वाली पटाखों की कर्कश आवाज निकालने वाली बुलेट बाइक पर कार्रवाई का सिलसिला चला दिया था। इस वर्ष 1206 ऐसे वाहनों पर शहर यातायात नियंत्रण विभाग ने कार्रवाई की और कल उन बुलेट से जब्त किए गए साइलेंसर पर रोड रोलर चलाकर नष्ट किया। समाज के जमीनी स्तर पर आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली आशा वर्कर्स व गुट प्रवर्तकों की ओर से प्रलंबित मांगों को लेकर शुक्रवार को धरना दिया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आशा वर्कर्स जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इस विरोध प्रदर्शन में उपस्थित थी। गीली और हल्की क्वालिटी की कपास की खरीदी को लेकर अकोट कपास उत्पादकों और अकोट मार्केट कमेटी प्रशासन के बीच विवाद होता रहा है। मार्केट कमेटी द्वारा सौदा पट्टी पर हल्के माल की वापसी नोट लिखने से मना करने पर यह विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद मार्केट कमेटी प्रशासन ने 20 व्यापारियों के लाइसेंस 1 सप्ताह के लिए रद्द कर दिए हैं। डाक सेवाएं जैसे कि डाक, स्पीड पोस्ट आइटम, पार्सल, बचत बैंक और मनी ऑर्डर के बारे में 6 सप्ताह से अधिक समय तक अनुतरित रहने वाली शिकायतों के निवारण के लिए बुधवार 21 दिसंबर को अकोला अधीक्षक डाकघर में एक डाक अदालत का आयोजन किया गया है। नागरिक इस अदालत में अपनी समस्या रख सकते हैं। शिवसेना वसाहत में रहने वाले एक युवक ने अपने सहयोगी के साथ नए किराना बाजार की सिक्योरिटी केबिन में घुसकर गुरुवार को तोड़फोड़ की। ये सारा मामला सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद पुराना शहर पुलिस ने आरोपी की तत्काल पहचान करवाकर उन पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत शासकीय छात्रावास में समता पर्व अंतर्गत 26 नवंबर से 6 दिसंबर दौरान विविध उपक्रम चलाए गए, जिसमें स्वास्थ्य शिविर, वक्तृत्व, चित्रकला व गायन स्पर्धा, मार्गदर्शन कार्यशाला, छात्रावास में सामूहिक स्वच्छता आदि उपक्रम चलाए गए। ऐसी जानकारी छात्रावास के गृहपाल ने दी। दिव्य हिंदी न्यूज, न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, आईटी प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।